क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू टाइप है। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई। नाउ द एंगल इज गिवन एज पी एंड रेडियस इज गिवन एज कैपिटल आर। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है पी 180 बाय 2 पाई आर, ये तो सरकमफ्रेंस है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, नहीं हो सकता ना। सेकंड पी अपॉन 180 इंटू पाई आर स्क्वेयर, हमें क्या चाहिए 360, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज पी अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि एरिया चाहिए। लास्ट ऑप्शन इज पी अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वेयर, ये कटिंग हो रही है इसकी, चेक करो। पी अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर सेम है, तो ये ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। जो एक्सरसाइज 12.3 है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से क्वेश्चन आता था। ठीक है, अब तो एमसीक्यू टाइप का है तो आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ और तो आने सकता है। जैसे ये है आपके सामने, एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, वेयर सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, आर निकालना था, 2 यूनिट्स आ रहा था, वैसे क्वेश्चन। या कोई भी क्वेश्चन इनमें से कोई भी फिगर आ जाएगी, पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन ही आएगा तो कोई पार्ट आ जाएगा, लेकिन आना तो है ये सॉल्व करने के लिए। ऐसा तो नहीं होगा ना डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो सॉल्व तो करना ही है, इसलिए ये सब कुछ करना है। तो ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप प्रीवियस पेपर देखोगे आपको इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, 4 मार्क्स का जरूर आता था इसमें से। तो ये स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बिफोर दिस एक्सरसाइज वन एग्जाम्पल इज गिवन दैट इज रिलेटेड टू एरिया ऑफ लॉन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 231, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 231 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ये आता हुआ आया एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं, कंबाइन करके एक दिया हुआ है, कोई सिंगल पार्ट भी आ सकता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, इस टाइप के ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप देखो कि सारे सिमिलर ही हैं। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट ये है कि आपको एरिया ऑफ सेगमेंट आना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर आना चाहिए, वही है बस। अब यहाँ पे ये आएगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है, वो आपने देखना है वो कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.3, रीड आउट द स्टेटमेंट। देखो इधर, सर्कल गिवन है, सर्कल के अंदर ये डायमीटर गिवन है, डायमीटर के इस तरफ तो बिल्कुल एम्प्टी है, ब्लैंक है, इस साइड पे ये ड्रॉ किया हुआ है और ये पोर्शन शेडेड है, इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना। ये डायमीटर है तो ये हाफ वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? डायमीटर जो है सर्कल को क्या करता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये सेमी सर्कल आ गया। इसका मतलब अगर आप सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, एरिया ऑफ सर्कल का हाफ कर दो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसको हाफ कर दो पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ गया। इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के इसको माइनस कर दो, ये क्या बन रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा है ये, इसको माइनस कर दो तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। अब देखोगे सेमी सर्कल तो आप फाइंड कर लोगे क्योंकि डायमीटर अगर गिवन है या नहीं है वो देख लेते हैं। आपको ये गिवन है, ये जो लाइन गिवन है, एक 24 गिवन है और एक 7 गिवन। ठीक है, आपको रिजल्ट पता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, ये रिजल्ट किया था, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, लास्ट क्लास में रिजल्ट किया था ये वाला। कौन से चैप्टर का रिजल्ट है? सर्कल्स चैप्टर का, 4-5 एक्सरसाइज थी वहां पर, तो जहां पे आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करते थे वहां पर ये रिजल्ट भी दिया हुआ था कि सेमी सर्कल में, मतलब डायमीटर जहां पर भी एंगल बनाएगा
कहीं पर भी इधर बनाए, इधर फॉर्म करे या इधर फॉर्म करे, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो ये डायमीटर है, और डायमीटर अगर कहीं पर भी एंगल बनाता है ये, तो ये राइट एंगल होता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कर सकते हो आप ये वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा सेमी सर्कल में से इसे माइनस कर देंगे। अब एक और बात, सेमी सर्कल के लिए आपको डायमीटर चाहिए, क्योंकि आपको रेडियस चाहिए। सेमी सर्कल कब निकालोगे एरिया? पाई आर स्क्वायर बाय टू निकालने के लिए रेडियस चाहिए। ये डायमीटर तो गिवन ही नहीं है, ना ही रेडियस गिवन है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कैन बी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आपके पास ये आ जाएगा डायमीटर। डायमीटर का हाफ करोगे एंड यू विल यूज द रेडियस हियर, दैट विल गिव यू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा, दोनों को कर देंगे मान। ठीक है, सबसे पहले, हाँ जी, PQ24 और PR7 ठीक लिखा है, बिल्कुल नेम नहीं दिए अभी। डायमीटर कहाँ गिवन है? वो डायमीटर नहीं है, ओ जहाँ से पास कर रहा है वो डायमीटर है, मतलब हाइपोटेन्यूज इज द डायमीटर। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पी, ये पी, ये क्यू, ये आर, ये ओ। ठीक तो बनाइए, क्या हुआ? ये क्वेश्चन है नीचे वाला, अच्छा आपकी बुक में फिगर ही अलग है, हमारी बुक में ऐसे नहीं है। आपकी बुक में कौन सी है? सबकी बुक में यही है, ये पुरानी है मेरी बुक। हाँ एक ही बात है, ठीक है, सेम ही है, बस इतना ही डिफरेंस है। ये देखो हमारी वाली बुक में एक साइड पे शेडेड पोर्शन आ है, आपकी बुक में शेडेड पोर्शन दो जगह पे बच रहा है। पी क्यू, ठीक है, ये आपकी बुक में ये पी क्यू है 24, पी आर है 7। डायमीटर तो अभी भी गिवन नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। डायमीटर उसमें भी गिवन नहीं था, इसमें भी। हमारी बुक में जो था एक तरफ पे शेडेड पोर्शन बच रहा था, आपकी बुक में दो जगह पे बच रहा, क्वेश्चन सेम ही है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। राइट डाउन, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल पी आर क्यू इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर है? पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 7। हाइट क्या आएगा? लिख लो, किसकी वेट कर रहे हो? निकालो, पाइथागोरस थ्योरम से डायमीटर फाइंड करो, डायमीटर से रेडियस आ जाएगा, फिर एरिया ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल जो भी फाइंड करना है वो करो। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, हरी अब जल्दी करो।
आर क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर। कितना आ रहा है? 625। डायमीटर कांट भी नेगेटिव। क्योंकि सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करना, तभी शेडेड पोर्शन आएगा। डायमीटर कांट भी नेगेटिव, क्या वो डाउट है? एरिया ऑफ, नहीं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल बात एक ही है, 180 ले लो, थीटा बाय 360 लगा लो, सेक्टर भी ले सकते हो, थीटा 180 आएगा। लेकिन अगर सेक्टर लेते हो ना, तो ये पूरा सेक्टर सपोज करोगे इस तरफ वाला, तो इससे बेटर तो ये है सेमी सर्कल ही लगाओ, क्योंकि 180 बाय 360 वन बाय टू ही होता है, तो वैसे भी तो 1/2 पाई आर स्क्वायर ही तो लगा रहे हैं, बात एक ही है। तो डायमीटर आ गया 25, रेडियस कितना आएगा? डेसिमल में फाइंड नहीं करना, ठीक है? चलो फाइंड करो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई आर स्क्वायर बाय टू। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर बाय टू, 22/7, रेडियस इज 25/2 इंटू 25/2 इंटू 1/2, ठीक है? फाइंड कर लो, पाई गिवन तो नहीं है, पाई गिवन तो नहीं है। 11, 625 इंटू 11, 5, 7, 8, 6 अपॉन 20, ठीक है? ठीक है, नहीं माइनस करेंगे सीधा, बाद में निकालेंगे। क्या हुआ, क्या हुआ कृतिका? ठीक है, ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया। अब क्या फाइंड करना है? शेडेड पोर्शन कैसे करेंगे? सेमी सर्कल में से ट्रायंगल माइनस करो, माइनस एलसीएम लेना है, फ्रैक्शन में एलसीएम लेना है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, अब एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, उसमें से कोई पार्ट आपसे पूछ लेगा, ठीक है? सिर्फ ये कहेगा रेडियस निकालो, डायमीटर निकालो, या हाइपोटेन्यूज फाइंड करो, या सिर्फ इसका एरिया निकालो, कुछ भी, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आना तो सब कुछ ही चाहिए आपको कि क्या फाइंड करना है। तो 6875 अपॉन 28 माइनस, किसको माइनस करना है? 84 को। टेक एलसीएम, एलसीएम इज 28, एलसीएम लेकर फोर 5, 2, 3 बाय 28, लिख लो रोल नंबर 2, 16, 17, 21, 22, 33, 34, 38, 43, तनुष्का, 32, 23, ये सारा कर लेना, रेड पेन से फिल कर देना पूरा ही, ठीक है? क्लियर है? अब देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है? गिवन क्या क्या है पहले ये बताओ, रीड करो स्टेटमेंट।
एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन फाइंड करना है। कंसेंट्रिक सर्कल दिए ना दो, ये फाइंड करना है। दो कंसेंट्रिक सर्कल की बना है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कंसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम है, रेडियस डिफरेंट है पर सेंटर सेम है। इस एक का रेडियस ये स्मॉल वाला है, दूसरे का रेडियस ये वाला है। आपने ये फाइंड करना है, ये है क्या सेक्टर? छोटे वाले सर्कल में ये वाला सेक्टर है, बड़े वाले सर्कल का ये सेक्टर है, ठीक है? दो आप में से क्या करना है, जो ये वाला पोर्शन लेफ्ट आउट है ना, ये फाइंड करना है। तो बड़े वाले सेक्टर में से अगर आप ये रिमूव कर दो तो ये पोर्शन बच जाएगा। इसका मतलब आउटर सेक्टर माइनस इनर सेक्टर, या बिगर सेक्टर माइनस स्मॉल सेक्टर, ठीक है? माइनस करना, एरिया ऑफ सेक्टर लगाना, रेडियस डिफरेंट होंगे, बाकी सारा फॉर्मूला तो सेम ही है। एंगल भी सेम होगा क्योंकि सेम सेक्टर है, एंगल सेम होगा, बस रेडियस डिफरेंट होगा, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। कॉमन लेके करेंगे, ठीक है? जब भी डबल क्वेश्चन आता है ना कॉमन वाला, जैसे एक में से दूसरे को माइनस करना है, तो कॉमन लेके करना, उससे इजी हो जाएगा। राइट डाउन स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। ये स्मॉल सर्कल का रेडियस है, ये बिगर सर्कल का, स्मॉल वाला सेक्टर, ये बिगर सेक्टर का रेडियस, ठीक है? रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है 40 डिग्री। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन अर्पित बोलो क्या लिखेंगे, किसमें से किसे माइनस करना है बोलो, क्या लिखें? थीटा कहाँ गया, कौन सा आर? कैपिटल आर माइनस अब क्या करेंगे उससे पहले कॉमन ले ले, पहले क्या कॉमन आ रहा है? थीटा बाय 360। थीटा सेम है ना 40 डिग्री, 40 लिख देते हैं। पाई भी सेम है, क्या बच गया? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है? 14। स्मॉल आर क्या है? तो सॉल्व कर लो, 1/9, 22/ दिया तो नहीं है, नहीं दिया, 22/7। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा? 14 प्लस 7 कितना होता है? 21। 14 माइनस 7 7। 22/63, 21 × 7, कटिंग कर दो, 9। 3 3 3 7 1 5 4/3, ठीक है? ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्लियर है? कॉमन लेके इजी हो जाएगा, हमेशा ट्राई ऐसे ही करना। हाँ हाँ जैसे मैं, क्या हुआ खुशी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए प्लस बी 21, ए माइनस बी 7, सीधा ही लिख दिया, ठीक है? कटिंग कर दी, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, बुक कहाँ है? वापिस जाओ उसकी बुक, सीधे बैठो, कल सारे पीरियड खड़ा रहना पड़ेगा अगर बुक नहीं मिलता। बोलो आप कैसे करेंगे पुष्कर, थर्ड क्वेश्चन। क्या गिवन है? कैसे गिवन है?
साइड गिवन है 14, ये 14 का सर्कल, इसके जो सेमी सर्कल के साथ क्या रिलेशन है? हाँ जी, डायमीटर है ये जो स्क्वायर की साइड है ना 14, ये सेमी सर्कल का क्या बन रहा है? डायमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा? ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। फाइंड क्या करना है? ये पोर्शन क्या करेंगे? स्क्वायर में से दोनों सेमी सर्कल को, अब दो सेमी सर्कल क्या बनाते हैं? एक सर्कल, तो अलग अलग नहीं निकालना, एक ही सर्कल निकालना। आप पहले लिख देना टू सेमी सर्कल इज इक्वल टू वन सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालना। क्यों करना है? सीधा लिख लो, पहले हाफ करोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, करना ही क्यों है? ठीक है, चलो लिखो। साइड ऑफ स्क्वायर 14, साइड लिख लो सीधा, साइड 14 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर, रेडियस 7 सेंटीमीटर। हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। टू सेमी सर्कल्स इज इक्वल टू वन सर्कल। अब हम इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो स्क्वायर का एरिया अलग से निकालें और सर्कल का एरिया अलग से निकालें, ठीक है, और माइनस कर दें, या दोनों स्टेप इकट्ठे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए, स्क्वायर माइनस सर्कल, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, इकट्ठे ही कर लें। एरिया ऑफ, आपको दोनों ही मेथड आने चाहिए, क्योंकि अभी आगे जाके ना जो क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वहां इकट्ठे नहीं करेंगे, वहां कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो वहां पे अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो आपकी मर्जी, आप जैसे करो, जो क्वेश्चन छोटे हैं उनमें इकट्ठे कर लेते हैं, टाइम सेव हो जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वेयर, एरिया ऑफ स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर? एरिया ऑफ स्क्वेयर क्या होता है? साइड स्क्वेयर। चांस, साइड कितनी है स्क्वेयर की? हैं? ये देखो, ये बैठे हैं, बेहोश हुए पड़े हैं क्लास में ही। हाँ, अभी पहले तो कुछ और था। 14 नहीं बोला था? अच्छा, मास्क में ही रह गया होगा ना। साइड स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर। साइड इज 14 एंड एरिया ऑफ सर्कल 22/7, रेडियस इज 7 × 7, 154, 196, 42 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इतना डार्क डार्क क्यों लिखते हो, इतना प्रेस करके, प्रिंटिंग प्रेस पीछे। हाँ, ये देखो, ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारा एरिया फाइंड करना है। अब देखो गिवन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन विच ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर आर्क है ना, 6 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, इसका रेडियस 6 है, हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स ओ ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी। कहता जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, उसकी वर्टेक्स ओ को सेंटर लेके एक आर्क लगाइए जिससे सर्कल बन रहा है ऊपर, ठीक है, उसका रेडियस है 6, उस सर्कल का रेडियस 6 दिया हुआ है आपको। जो ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इसकी साइड 12 है, ठीक है। 12 का क्या मीनिंग है? अगर ये पूरा 12 है, 6 बाहर है और 6 सर्कल के अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या करना है? ये पूरा एरिया फाइंड करना है। साइड गिवन है, ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 साइड स्क्वायर। लास्ट, सेकंड लास्ट सक्षम है नहीं? फॉर्मूला बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल का। बोलो, ये देख लो, अभी अभी हम बोल के सिर्फ चुप ही कर रहे हैं, ये
आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे? थ्री पढ़ने चाहिए मुंह पर आके वहीं पे। रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वेयर, एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वेयर। साइड इज 12 × 12, करो सॉल्व कितना आ रहा है, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वेयर, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। अब फाइंड करना है सर्कल का एरिया। अब सर्कल कंप्लीट नहीं है, ये जो पोर्शन है ये ट्राइंगल के अंदर कवर हो चुका है, मतलब ये नहीं चाहिए, ये है क्या सेक्टर। अगर सर्कल में से सेक्टर माइनस कर दो तो ये रिमेनिंग आ जाएगा, ये कौन सा सेक्टर है, मेजर सेक्टर। सीधा भी तो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हर्षदीप है ना, नहीं बोलो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये मेजर है कि माइनर है, माइनर है ये जो आप बोल रहे हो, खुशी बोलो, थ्री सिक्सटी माइनस थीटा पाई आर स्क्वायर, ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा। थीटा इज 60 क्यों है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, सीधा लिख दे 22/7, दिया तो नहीं हुआ पाई, रेडियस कितना है 6, करो सॉल्व 5/6, 6 से 6 कैंसिल, 6 60/7 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट डाउन। अब आपने इन दोनों एरिया को क्या करना है, प्लस की माइनस, माइनस, वेरी गुड, क्या करना है इमानी, प्लस करना है क्योंकि सारे का एरिया फाइंड करना है। राइट डाउन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 660/7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर से, कॉमन आता है वो ले लो, पीछे आंसर चेक करके बताओ क्या दिया। ठीक है, करना हो तो कॉमन ले लेना, क्या आएगा कॉमन बता सकते हो, 6 कॉमन आएगा न्यूमिनेटर में, 6 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 110/7 प्लस 6√3, ठीक है, और भी कॉमन आ रहा है 110 और यहाँ 6, इसमें से 2 भी तो कॉमन आ रहा है, बाहर हो जाएगा कितना, 6 पहले लिया हुआ है, 2 एक और हो गया। अगर आपको एक बार में नहीं आता तो आप दो स्टेप में कॉमन ले लो, पहले 6 ले लो, फिर जो लेफ्ट आउट होगा उसमें से फिर से 2 ले लो, फिर क्या बचेगा 55/7 प्लस 3√3, ठीक है। ऑप्शंस में अगर आंसर हो कॉमन लेके तो जरूर चेक कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना ऑप्शंस को आपस में, ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, आपके आंसर के साथ टैली हो जाएगा, कॉमन नहीं लेते तो उनके आंसर को मल्टीप्लाई करके अपने आंसर के साथ टैली कर लेना इसके साथ, ठीक है, तभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इजी है काफी, देखो क्या है, रीड करो जरा, स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और स्क्वायर के साइड पे जो 4 सेक्टर बने हुए हैं उनका रेडियस 1 1 है,
देखो इधर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है फोर, यहाँ पे सेक्टर बने हुए हैं ऐसे, ठीक है, या क्वाड्रेंट भी समझ सकते हो क्योंकि एंगल 90 है। इसका रेडियस 1 1 है सबका, और एक सर्कल सेंटर में है जिसका डायमीटर 2 है, मतलब इसका रेडियस भी 1 हो गया, इनका रेडियस भी 1 है और इसका डायमीटर 2 है, मतलब रेडियस इसका भी 1 है। ये 4 सेक्टर मिलके क्या बनाएंगे, 1 सर्कल। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, टोटल कितने सर्कल हो गए? तो स्क्वायर में से स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, और 2 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे, ठीक है। राइट डाउन, साइड 4 सेंटीमीटर, साइड 4 सेंटीमीटर, एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे लिखो, रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 × 22/7 × 1, 1 ही आना है ना रेडियस, 44/7 ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये फाइंड करना है, माइनस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, स्क्वायर का एरिया 16 था, ये 44/7 है, करो एलसीएम देखो, 68/7 सेंटीमीटर। अब आपने एक होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 14 सेम है क्वेश्चन नंबर 2, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क है, बस 14 ही करना है।